स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत। देपालपुर, लगातार होने लगी यातायात समस्या और बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आज कमर कस ली और इसी के चलते देपालपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण पर अपने बुलडोजर चलाए। यहां नगर के देपालपुर के बेटवा नाका क्षेत्र से शुरू हुई इस मुहिम में प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ दल बल को लेकर पहुंचा और स्थायी एवं अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं स्थानीय एसडीएम प्रतुल सिन्हा के अनुसार यह कार्रवाई देर शाम तक चलेगी। इतना ही नहीं, अधिकारी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो अन्य जगह हुए अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। मुहिम के दौरान एसडीएम प्रतुल सिन्हा, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी, नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस, एसडीओपी आरके राय, टीआई गोपाल परमार सहित बड़ी संख्या से अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रखा। देपालपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए उमराव सिंह मौर्य ने यहां 16 दुकानों का निर्माण करवाया था। इससे जनपद की स्थायी आय का स्रोत मिल जाता, परंतु जनपद पंचायत व नगर परिषद द्वारा दोनों वर्चस्व की लड़ाई में दुकानें लावारिस अवस्था में पड़ी है। उन दुकानों के कोने भी तोड़े गए। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट। देपालपुर में नगर परिषद देपालपुर के माध्यम से जितने भी अस्थायी स्वरूप के अतिक्रमण थे सभी को सूचना दी गई है। लगातार अनाउंसमेंट हुआ है और हम लोगों ने सूचित करने के बाद आपने देखा होगा कि लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाए हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं और जहां पर आवश्यकता हो रही है वहां पे हमें तोड़ना भी पड़ रहा है, तो वो सारे अतिक्रमण हम लोग हटा रहे हैं। और जो जन सहयोग है ये निश्चित रूप से अप्रिसिएट किए जाने लायक है, जहाँ पर कि लोग आ करके स्वेच्छा से कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। आज हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अतिक्रमण को हटा लें और थाना तक तो निश्चित रूप से जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी लोग अगर खुद से नहीं हटाते हैं तो ये मुहिम हम कल भी करें।